अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के बिल में पाकिस्तान से मुतालिक मनफी हवाला जात खारिज कर दिए गए हैं। बिल में काबुल पर अफगान तालिबान के कब्जे पर पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक तमाम मनफी हवाले खत्म किए गए हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के हवालों में मुल्क को सकूत काबुल का बुरदे इल्जाम ठहराया गया था। पाकिस्तान को हिमायत फराहम करना कौमी सलामती के मफाद में है। अमरीकी कौमी सलामती एक्ट 2022 का ये मतन है। आपको ये बताएं कि तरमीमी वर्जन से लफ्ज पाकिस्तान निकालकर मतन में अफगानिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क लिख दिया गया है। रेफरेंस के एक और मतन में काबुल पर कब्जे में पाकिस्तान के किरदार की वजाहत तलब की गई थी। रेफरेंस के तरमीमी मतन में इसे हजफ करके रेफरेंस में मजीद कुछ शामिल नहीं किया गया है। एक्ट में अमरीका के इनखिला की वजूहत और असरात की तहकीकत की शर्त बरकरार रखते तजवीज दी गई है। एक्ट में अफगानिस्तान के करीब दूर दराज पड़ोसियों के किरदार का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने का मशवरा दिया गया। 9/11 के बाद अमरीका और मगरबी अकवाम पाकिस्तान के हवाले से तशवीश का शिकार हैं। अमरीकी मफादात के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात बरकरार रखने का एक अहम मौका गुज़श्ता हफ्ते आया। जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान को पहले जमहूरी इजलास में दावत दी गई थी। अमरीकी सेनेटर्स के वफ के हालिया दौरा पाकिस्तान ने पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा दिया था। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के बिल में पाकिस्तान से मुतालिक मन